भैया ठीक है सबके लिए अच्छा से हो। इधर मत इधर इधर लगाइए यहाँ लगाइए मोबाइल अच्छे भाई सुनील भैया थोड़ा इधर देखिएगा सबको बस बस हो गया सब। अरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद महोदय अर्जुन मुंडा जी भी रहे और हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी रहे। ये योजना जो हमारी 14वां वित्त की और 15वां वित्त के दोनों मिला के योजना जो है योजनाएं हम लोगों ने सभी पार्षदों ने मिल के और बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इसको सजाने की कोशिश की। इस फंड को इस को हम लोगों ने सजाने की कोशिश की और उस सजाने में हम लोगों ने बहुत ही मेहनत की और उस मेहनत को आज हम लोगों ने आज जनता के सामने लाने की एक पहलू किया जिसमें हम लोगों ने शिलान्यास किया और जनताओं के बीच में हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उन लोगों को हम लोगों ने सामने लाया। बढ़ने के साथ आबादी भी बढ़ी है तो उस अनुरूप ये लगता है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना बहुत आवश्यक है। उसमें सड़क का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इस कड़ी में कई महत्वपूर्ण सड़कें जो मुझे लगता है कई सड़कें तो खराब हो गई थी जर्जर हो गई थी उन सड़कों का पुनर्निर्माण इस आज के शिलान्यास के बाद में उनका काम किया जाएगा और इसी तरीके से कई और भविष्य के लिए भी कई योजनाओं को हम लोगों ने देख करके रखा है कि नगर पंचायत क्षेत्र को और कितना हम लोग सुंदर और सुदृढ़ बना सकते हैं। इस और पूरा प्रयास रहेगा और हमारे स्तर से भी सरकार के स्तर पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है इसका पूरा होगा। विधायक जी क्या लगता है इस समय झारखंड के एक पदाधिकारी है वहाँ मुकवित सिंह भाटिया जो सीईओ है और एक एनके सिंह है बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट वो इसके चेयरमैन है तो वो उस तरह की संस्था ये एनालिसिस करती है कि किस क्षेत्र को कौन सा राशि देना चाहिए और कहाँ गैप्स है और राज्य सरकार को वो राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य सरकार स्थानीय निकायों तक पैसा पहुँचाती है इस पैसा का उपयोग फिर आज इस तरह के योजनाओं में होती है तो बहुत सारे इसके पहले एजुकेशन में ज़्यादा फोकस किया गया था अभी आधारभूत संरचना और इस तरह की चीज़ों में फोकस किया गया है अब इसका लाभ लोगों को अच्छे ढंग से मिले। आप सभी अध्यक्ष के नाते आपके पार्षद मैंने परिषद के जो सदस्य हैं उसके नाते सभी को मैं बधाई देता हूँ। विधायक जी लगे हुए हैं अपने क्षेत्र के लिए सबको मिलकर के हम सबको काम करना है। अभी पूरे देश के जो जनजातीय क्षेत्रों के मामले में हमारा कार्य योजना चल रहा है निश्चित रूप से कोरोना के काल में थोड़ा सा कार्य हर स्तर पर प्रभावित हुआ है लेकिन सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीर्घायु हों और हम लोग के बीच जिस प्रकार पूर्व की भांति रह करके ये काम करते थे ये अभी और बहुत दिनों तक रहें ताकि जनता का प्यार दुलार उन्हें मिलता रहे और जनता उनके कार्यकलापों से अपने में उतारते हुए और आम जनता का सेवा करते रहे और मैं यही अपील करता हूं झारखंड के लोगों से और पूरे पार्टी के पदाधिकारी के लोगों से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है कि गरीबों के बीच हमारे जन्मदिन पर भोजन कराया जाए वही आज हम लोग भोजन करवाने का व्यवस्था यहाँ भी किए हैं और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं रंजन कुमार युवा अध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल झारखंड का और मैं आज बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पे मैं चाहता हूँ कि तमाम
उनके चाहने वालों को, गरीबों को, दलितों को, अल्पों को, सस्तों को, पिछड़े को, सारे का उम्र उनको लग जाए, क्योंकि आज उनको देश की ज़रूरत है और देश में उनको रहना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं उनकी उम्र लग जाए और इस तरह मैं उनको हार्दिक जन्मदिन पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।